तो आज हम बात करने जा रहे हैं टर्जियन हार्मनी, क्वार्टल हार्मनी और क्विंटल हार्मनी के बारे में। हम लोग की जो म्यूजिक थियोरी है वो मोस्टली टर्जियन हार्मनी के अराउंड बेस्ड है। टर्जियन हार्मनी का मतलब क्या हुआ? टर्जियन का मतलब लिटरल आई थिंक समथिंग रिलेटेड विद थ्री होता है। तो थ्री का मतलब हो गया कि हम इसमें कॉर्ड्स बनाने के लिए थर्ड्स को एक के ऊपर एक स्टार्ट करते जाते हैं। तो अगर हम सी मेजर की में है तो हमारा अगर रूट नोट सी में सी है ये, तो सी का ऊपर थर्ड क्या हुआ? ई। ई के ऊपर थर्ड क्या हुआ? जी। जी के ऊपर हम थर्ड जाएंगे तो आएगा हमारा सेवन। तो 1 3 5 7 हमने सुना होगा कि 1 3 5 7 9 11 और 13 ये हमारी कॉर्ड्स के कॉर्ड के रूट थर्ड और फिफ्थ और उसके एक्सटेंशन होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है 1 3 5 7 9 11 और 13 ये इस तरीके से आता है कि हम थर्ड्स पे के ऊपर अगर स्टार्ट करते जाएंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगा। मतलब कि अगर सी के बाद ई, ई के बाद जी, मतलब 1 3 5 फिर 7, 7 के बाद 9 आता है तो 7 के बाद 9 उसके ऊपर एक और थर्ड जाएंगे तो मिलेगा डी, डी हो गई, और फिर डी के ऊपर हम एक और थर्ड जाएंगे तो हमें मिलेगा एफ, और फिर एफ के ऊपर एक और थर्ड जाएंगे तो मिलेगा ए। तो मतलब यहां से फिर से वापस स्टार्ट करते हैं 1 3 5 7 9 जो कि हुआ डी, फिर हुआ 11 जो कि हुआ एफ, और फिर ए जो कि हुआ 13। तो 1 3 5 7 9 11 13 और फिर वापस से रूट। तो टर्जियन हार्मनी में हमने देखा कि इन नोट्स के बाद वापस से हम रूट पे आ जाते हैं। तो मतलब 1 3 5 7 9 11 13 तो इन नोट्स के बाद हम वापस रूट पे आ जाते हैं इन द की ऑफ सी मेजर। अगर हम सी मेजर की में डी से काउंट करना शुरू करेंगे तो डी अगर ये है तो उसका माइनर थर्ड, तो उसका थर्ड क्या होगा? एफ, जो कि उसका माइनर थर्ड होगा। फिर एफ के ऊपर एक और थर्ड हम जाएंगे तो होगा ए, ए के ऊपर एक और थर्ड जाएंगे तो होगा सी। तो ये क्या नोट्स बनेंगे? कॉर्ड कौन सी बनेगी? डी माइनर 7। और फिर इसके ऊपर इसका नाइन्थ लेंगे तो डी का नाइन्थ क्या होता है? सी मेजर की में होता है ई, और फिर ई के बाद उसके बाद आएगा 11। ई का थर्ड होता है जी, तो ई के ऊपर एक और हम थर्ड जाएंगे तो होता है जी। तो डी एफ ए सी ई जी, तो रूट थर्ड रूट फ्लैट 3 5 फ्लैट 7 9 11 और फिर हम जाएंगे 13 पे, तो एक और हम थर्ड पर जाएंगे। मैंने अभी सारे एक के ऊपर एक थर्ड लगाता गया तभी हम लोग ये पूरा चीज पे चीज हमारे सामने डराइव हो पाई है। जो टर्जियन हार्मनी है इसी के अराउंड हमारे कॉर्ड्स का और स्केल्स का थ्योरी बहुत ज्यादा बेस्ड है। क्वार्टल और क्विंटल के अराउंड थोड़ा सा हमें जो थ्योरी है म्यूजिक थ्योरी वो थोड़ा कम उसकी तरफ ध्यान देती है, क्योंकि जितना क्लासिकल म्यूजिक है स्पेशली थर्ड जो उसकी थ्योरी बनाई गई थी वो थर्ड्स को दिमाग में रख के बनाई गई थी। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वार्टल हार्मनी के बारे में। क्वार्टल का मतलब बहुत सिंपल है, क्वार्ट का मतलब फोर, तो हम इसमें फोर्थ को स्टार्ट करते जाएंगे एक के ऊपर एक। तो अगर मैं सी ये नोट है मेरा तो सी का फोर्थ क्या होगा? एफ। एफ का फोर्थ क्या होगा? बी। मतलब इस केस में उसका शार्प फोर होगा बट फोर्थ है, क्योंकि हम क्वार्टल कर रहे हैं तो फोर्थ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे परफेक्ट फोर्थ मिलेगा, हमें एक जगह पे ऑगमेंटेड फोर्थ मिलेगा सी मेजर की में। किसी भी मेजर स्केल की में हमें एक जगह फोर्थ जो होगा वो ऑगमेंटेड फोर्थ मिलेगा ही, क्योंकि हर की में एक ट्राइटोन का इंटरवल होता है। तो सी के बाद आया एफ, एफ के बाद आया बी, बी के बाद उसका फोर्थ होगा ई, और ई के बाद उसका फोर्थ होगा ए। तो ये एक शेप हमें मिलता है, जो कि लूजली अगर मैं देखूं तो ये सी मेजर सी मेजर 11/13, मतलब किस पर 11 बी और 13 रूट 11 मेजर 7 मेजर 3rd और 13। इसी तरीके से अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगा सी मेजर की में, तो बी का फोर्थ हुआ ई, ई का फोर्थ होगा ए, ए का फोर्थ होगा डी, डी का फोर्थ होगा जी, जी का फोर्थ होगा सी वापस। तो ये पूरा शेप मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन सबकी साउंड्स बहुत ही ज्यादा ओपन टाइप की हैं। जैसे टर्जियन हार्मनी में जब थर्ड्स को स्टार्ट करते हैं तो क्लोज साउंड आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विंटल हार्मनी के बारे में। क्विंटल हार्मनी में क्या है? फिफ्थ को स्टार्ट करना है, क्विंट मतलब फाइव, तो क्विंटल हार्मनी में फिफ्थ को स्टार्ट करना है। तो अगर हम सी नोट पे हैं तो इसका फिफ्थ होगा जी, जी का फिफ्थ हुआ सी मेजर की में डी, डी का फिफ्थ हुआ सी मेजर की में ए, और फिर ए का फिफ्थ हुआ सी मेजर की में ई। तो हमें ये ओपन साउंड्स मिल जाती हैं काफी। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे इसी के और शेप्स निकालने हैं, तो अगर मैं ए से कर रहा हूं स्टार्ट, तो ए के फिफ्थ हुआ ई, ई का फिफ्थ हुआ बी, बी का फिफ्थ हुआ एफ फ्लैट 5।
बी से काउंट करते हैं, बी से क्विंटल क्या आएगी, बी ए हुआ, फिफ्थ हुआ उसका ए, ए का फिफ्थ हुआ ई, ई का फिफ्थ हुआ बी, और बी का फिफ्थ हुआ एफ। ये देखो ट्राइटोन है यहाँ पे बी और एफ में। तो ये तरीका है हमें कॉर्ड्स, तीन तरीके तो हैं ये निकालने के, इसके अलावा बहुत और तरीके हैं। आप सेकंड्स को स्टार्ट कर सकते हैं एक के ऊपर एक, तो अगर ये सी है तो सी के ऊपर आपने डी को स्टार्ट कर दिया और फिर ई बना, ई को स्टार्ट कर दिया, तो सी डी ई, ये भी एक कॉर्ड है, प्रॉबेबली सी मेजर एड नाइन विदाउट अ फाइव है, तो फिफ्थ नहीं है क्योंकि सिक्स्थ के साथ भी हम हार्मनी बना सकते हैं। अगर सी ए है और सी का सिक्स हुआ ए सी मेजर की की में, फिर ए का सिक्स क्या होगा सी मेजर की में, होगा एफ, तो एफ आएगा ये, और फिर एफ का सिक्स होगा नेक्स्ट, एफ का सिक्स होगा डी। अब अगर आप देखेंगे इसके फर्स्ट थ्री नोट्स को तो ये तो एक मेजर कॉर्ड है, ये हो गई एफ मेजर कॉर्ड, बिकॉज इसमें एफ है ए है और सी है, बट क्योंकि हम सिक्स यूज कर रहे हैं तो इतना स्ट्रेच्ड शेप आ रहा है ये, तो हम कोई भी इंटरवल्स को लेके हार्मनी बिल्ड कर सकते हैं। सिक्स के इंटरवल को सेवन्स को लेके कर सकते हैं, सेवन्स का बहुत अगेन, अगर ये मेरा रूट है तो सेवन इसका बी हुआ, फिर बी का सेवन क्या होगा, होगा ए, तो ए ये होगा, और फिर ए का सेवन क्या होगा जी होगा जो कि आएगा ये। तो हम सी मेजर की में कोई भी इंटरवल को लेके उसके कॉर्ड्स बिल्ड कर सकते हैं, उनको स्टैप करके एक ऊपर एक, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी अकोमोडेटेड इन योर म्यूजिक। वो डिपेंड करता है कौन से स्टाइल में बजा रहे हैं, फिर अपना स्टाइल इन्वेंट करना चाहते हैं। पॉइंटर्स इसमें कुछ ये है कि टर्जियन हार्मनी बहुत ज्यादा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं मोस्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, पॉप में भी हर जगह आपको, और जैज में भी हर जगह मोस्टली आपको टर्जियन हार्मनी देखने को ही मिलेगी। क्वार्टल हार्मनी थोड़ी हमें ओपन साउंड देती है, थोड़ा एक एक्सप्लोरेशन टाइप का भी हो जाता है, बिकॉज हम लोगों के पॉपुलर म्यूजिक में बहुत ज्यादा क्वार्टल हार्मनी का यूज नहीं होता है, लेकिन इसकी साउंड बहुत ओपन होती है एंड आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रोबेबली इसकी आजकल के मॉडर्न एज प्रोग्रेसिव म्यूजिक में आपको इसकी साउंड मिल जाएगी, जैज में मिल जाएगी, और बहुत सारे नए फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में आपको, पुराने में भी, मतलब हर क्वार्टल हार्मनी ऐसा नहीं कि अभी की नई चीज है बहुत पुरानी, बट हमें देखने को कम मिलती है। उसी तरीके से क्विंटल हार्मनी जो हो गई वो भी हमें देखने को कम मिलती है, बट ये सारे चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी म्यूजिकलिटी को डेवलप करने के लिए। तो अगेन टर्जरी मतलब कि थर्ड को स्टार्ट करेंगे, टू थ्री फाइव सेवन और फिर नाइन और फिर इलेवन और फिर थर्टीन और फिर वापस से रूट। क्वार्टल का मतलब हो गया हम फोर्थ को स्टार्ट करेंगे, तो रूट फोर्थ फिर उसका फोर्थ फिर उसका फोर्थ फिर उसका फोर्थ और फिर उसका फोर्थ फाइनल। इसमें सारे नोट्स आ गए, सी मेजर थर्टीन कॉर्ड हो गए, इसमें सी मेजर का फिफ्थ नहीं है, उसके अलावा रूट है, मेजर सेवन है, मेजर थर्ड है, फोर्थ है, मेजर सिक्स है, मतलब थर्टीन और नाइन्थ। तो इस तरीके से हम बहुत सारी नई साउंड निकाल सकते हैं एंड आई होप आपको इस लेसन से कुछ मिला होगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू नो, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि 135 135, क्यों 135 वन, हमेशा लोग उसको क्यों स्टिक करते हैं 135 को, फोर्थ के को लेके क्यों नहीं हार्मनी बिल्ड करते हैं, या फिर जो कॉर्ड है उसके बीच के जो नोट्स हैं उसमें जो अंदर के नोट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में इंटरवल्स क्या है, उसको हम और, कोई कॉर्ड बहुत ही मडी सी साउंड कर रही तो हम उसको ओपन करके कैसे और साउंड उसकी बेहतर कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स जो बहुत ही दूर दूर और बहुत ही आउटलैंडर्स हैं जो एक साथ बजाने पे अच्छी नहीं लगती, मतलब एक के बाद एक, तो उनको हम किस तरीके से इन्वर्जन यूज करके या फिर क्वार्टल और क्विंटल हार्मनी में यूज करके किस तरीके से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज सोचने वाली है। और आपको इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर कुछ टाइम निकाल के इस चीज के साथ बैठे तो काफी फायदा होगा, म्यूजिकलिटी काफी डेवलप होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब।